खरगापुर से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़े अजय सिंह यादव ने अब नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक चंदा सिंह से इस्तीफे की मांग कर इस इलाके में मतपत्र से चुनाव करवाने की मांग की है यादव का तर्क है कि अगर कांग्रेस के मुताबिक ईवीएम का मामला गंभीर है तो नैतिकता के आधार पर कांग्रेस विधायक को इस्तीफा देना चाहिए अजय सिंह यादव ने कहा की खरगापुर से मैं निर्दलीय उम्मीदवार तौर पर चुनाव मैदान में था जिस तरह के चुनाव परिणाम खरगापुर क्षेत्र में आए हैं वो निश्चित ही किसी न किसी गड़बड़ी की आशंका को दिखाता है इस संदर्भ में मेरे द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है एवं निर्वाचन आयोग से मांग की गई है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी पद्धति उपलब्ध हो उसको अपनाकर खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों की न्याय संगत तरीके से जांच एवं पुनरीक्षण किया जाए यादव ने चुनी गई विधायक चंदा सिंह से भी इस्तीफे की मांग की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर ईवीएम के मामले में गंभीर है तो नैतिक आधार पर खरगापुर विधायक से इस्तीफा दिलवाकर मतपत्रों के माध्यम से चुनाव के लिए कदम उठाएं अभी भी उनके पास पद्धति होती हो उसको अपनाकर जांच करवाएं ताकि न्याय संगत तरीके से पुनरीक्षण हो सके और लोकतंत्र की रक्षा हो सके मैंने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया प्रचार एवं प्रचार के बाद जिस तरह का जनसमर्थन मुझे प्राप्त था वो सभी के सामने है हो सकता है कि ये माना जाए कि मैं कांग्रेस का नेता था इसलिए जन समर्थन था लेकिन मैंने पार्टी छोड़ने के बाद 22 अक्टूबर 2023 को खरगापुर के मेला ग्राउंड में जो बैठक बुलाई थी जिसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी उसमें भी पांच से अधिक लोग मेरी बैठक में मौजूद थे और इन्होंने हाथ उठाकर मेरा समर्थन किया था ऐसे में मुझे चौदह वोट मिलना यहां तक कि कई मतदान केंद्र जहां मेरे पोलिंग एजेंट भी मौजूद थे वहां एक दो या जीरो मत मिले जो कि पूरी तरह संदिग्ध है और वहां पर मेरे पोलिंग एजेंट उनके परिजन और अन्य लोग निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र या व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए भी तैयार हैं कि इनके द्वारा मत मुझे दिए गए उसके बाद एक दो या जीरो मत मिलना ये पूरी तरह संदिग्ध है इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले में निर्वाचन आयोग पहल करे और साथ ही कांग्रेस पार्टी से मेरी विशेष मांग है जो लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रही है अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर है तो अपने विधायक से इस्तीफा दिलवाए और भाजपा के ऊपर निर्वाचन आयोग के ऊपर मतपत्रों से चुनाव करवाने की दिशा में पहल करें ताकि मतपत्रों से जो परिणाम आए वो देशभर में एक नजीर बने और उस नजीर के आधार पर देश में लोकतंत्र मजबूत हो सके आप देख रहे हैं दखल न्यूज